राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करते हैं सबसे पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रिसीव हुई जहरीली गैस से भोपाल में 1984 में जिन 3000 लोगों की मौत हुई थी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हम आते हैं भारत की राजधानी दिल्ली, जहां नगर निगम का चुनाव 4 तारीख को होने जा रहा है। 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ की गई है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब कल दिल्ली के मतदाता मतदान करके देंगे। दिल्ली के मतदाता तय करेंगे कि दिल्ली में उन्हें आगामी निगम कैसी चाहिए, दिल्ली के विकास के लिए उन्हें कौन प्रत्याशी को चुनना है और चुनकर निगम में भेजना है। दिल्ली में पहले 3 निगम था, उन तीनों निगम को फिर से एक बार एक कर दिया गया है और 250 सीटों पर चुनाव 4 तारीख को होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं और कई दल तो यह कहना शुरू कर दिया है कि इस बार निगम में उनके दल को ही दिल्ली के मतदाता विजयी बनाएंगे। आखिरी फैसला मतदाताओं को लेना है जो कल सुबह लेंगे अपने मतदान के साथ। मेट्रो ने भी तैयारी शुरू कर दी है और कल 4 दिसंबर को सुबह 4 बजे से ही मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा, ताकि किसी भी मतदाता को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई परेशानी ना हो या जो चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेट्रो ने भी इसका ख्याल रखा है। 13,665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जी, आपने सही सुना, 13,665 मतदान केंद्र, जिसमें 492 जगहों पर यह मतदान होगा और 3,356 बूथ को संवेदनशील बूथ घोषित किया गया है और इन बूथों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। अर्थात दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, इसकी सारी तैयारी चुनाव आयोग द्वारा भी कर ली गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली के पुलिसकर्मी को लगाया गया है बल्कि अगल बगल के राज्यों से भी भारी संख्या में पुलिस बल दिल्ली बुलाए गए हैं, ताकि कोई भी बूथ लुटेरा बूथ लूटने की हिम्मत ना कर सके, फर्जी मतदान ना कर सके। कई तरह से इस चुनाव को साफ सुथरा बनाने की तैयारी की गई है, ताकि भारत की राजधानी दिल्ली में एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो सके। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है, जो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 वर्षों से निगम पर काबिज है। जब दिल्ली में एक निगम था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। उसके बाद लगातार 2 बार जब निगम 3 भागों में बंट गया, उसके बावजूद भी निगम पर भाजपा का शासन रहा है और अब चौथी बार निगम में पुनः अपना कब्जा कायम रखने के लिए भाजपा जीतोड़ परिश्रम कर रही है। उसके केंद्रीय
नेतृत्व से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तक यहां चुनाव प्रचार में आए, जिसके कारण यह भी कहा जाने लगा है कि दिल्ली में भाजपा निगम की चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रही है। इस तरीके के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का यह चुनाव लड़ने का तरीका है, वह चुनाव में अपनी पूरी शक्ति लगाती है। यही कारण है कि गुजरात में 27 वर्षों से भाजपा का शासन है, लेकिन अभी भी भाजपा आगामी गुजरात चुनाव जीतने की तैयारी के लिए जी जान से लगी हुई है और प्रधानमंत्री तक रोड शो कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अन्य मुद्दों पर, आप कहीं जाए नहीं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स, सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से, प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा, मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव की, और हम कह रहे थे जो किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है सभी राजनीतिक दलों द्वारा। चुनाव के अंतिम दौर में जिस प्रकार से भाजपा द्वारा प्रचार को तेज किया गया और विरोधियों को घेरने का काम किया गया, वह निश्चित रूप से भाजपा के एक मजबूत स्थिति को पेश किया है। पार्कों के अंदर लोकसभा सदस्यों द्वारा लगाए गए जिम की चर्चा भी इस निगम के चुनाव में सामने आया। इसकी चर्चा निगम चुनाव से पहले नहीं हो रही थी, लेकिन भाजपा ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से अपने एमपी द्वारा विभिन्न पार्कों में लगाए गए जिम को भी चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रहा। भाजपा के ऊपर आम आदमी पार्टी कूड़े इकट्ठा करने वाली पार्टी की संज्ञा देकर घेरने का प्रयास प्रारंभ में किया। वहीं भाजपा को भ्रष्टाचारी भी साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से उन मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने, मतदाताओं के सामने लाने का काम किया है, और उल्टा आम आदमी पार्टी को ही, जो अपने को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, उनके ऊपर ही कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर स्कूल के रूम निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा करके घेरने का काम किया गया। वहीं शराब के लाइसेंस देने में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेरने का काम भाजपा करती आ रही है और इसमें काफ़ी हद तक सफल हुई है। सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी को भाजपा घेरने में सफल रही। जो रही सही कसर बाकी थी, वह लगातार सत्येंद्र जैन का वीडियो पब्लिक डोमेन में आने के बाद और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके लिए एक कमेटी का गठन
कर दिए जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पे जेल के डीजी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सत्येंद्र जैन को वो तमाम सुविधाएं गैर कानूनी ढंग से देने का काम किया, और जिस व्यक्ति को उनके मसाज में लगाया गया था और उप मुख्यमंत्री जिसे एक शिक्षित बता रहे थे वो एक्चुअल जेल में ही बंद है, और वो भी बलात्कार के एक मामले में। वैसे व्यक्ति से मसाज कराने की बात जब सामने आई और जो रिपोर्ट जांच के बाद दिया गया है उससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नज़र आने लगी है, और भाजपा काफ़ी एग्रेसिव होकर चुनाव मैदान में खड़ी हो गई। और कल 4 तारीख को अब मतदाताओं को तय करना है कि वह किसे अपना मत देकर निगम में भेजती है। भाजपा लगातार चौथी बार निगम में आएगी, या सत्ता परिवर्तन होगा, या कांग्रेस जो काफ़ी दिनों से चाहे वह विधानसभा हो, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे निगम हो, पिछड़ती नज़र आ रही है, उसकी स्थिति इस चुनाव के बाद बदलेगी। दिल्ली के मतदाता उन्हें फिर से एक बार सेवा का अवसर देंगे, यह देखना कल तय होगा जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मतगणना 7 दिसंबर को निर्धारित है, और 7 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी स्वतः ही सामने आ जाएगा। दिल्ली में 1,46,00,000 से अधिक मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भारत की राजधानी महानगर दिल्ली का नगर निगम कितना सशक्त है, और इसके मतदाता कितने जागरूक हैं जो निगम में भाजपा को, प्रदेश में आम आदमी पार्टी को, और फिर लोकसभा में भाजपा को ही भेजने का लगातार काम कर रही है। पहले इसी दिल्ली में निगम में भी कांग्रेस होती थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, और केंद्र में भी कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार होती थी। अर्थात दिल्ली के मतदाता हमेशा से दिल्ली के विकास के लिए मतदान करते रहे हैं, और लगातार प्रदेश में आम आदमी पार्टी को चुनकर जहां भेजने का काम कर रही है, वहीं निगम में लगातार 3 बार से भाजपा को चुनने का काम किया, और अब देखना है 4थी बार दिल्ली के मतदाता फिर से भाजपा पर भरोसा करती है या निगम में सत्ता परिवर्तित करती है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार केजरीवाल सरकार को कट्टर भ्रष्टाचारी सरकार की संज्ञा दे रहे हैं और हमलावर हैं। अनुराग ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं अपने को कट्टर ईमानदार कहकर संबोधित करते थे, लेकिन जो जो बातें खुलती जा रही है वो कट्टर भ्रष्टाचारी साबित हो रहे हैं। यह एक चुनाव के समय में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा एक प्रदेश की सरकार पर सीधा हमला है, और बहुत हद तक भाजपा इसमें सफल रही है आम आदमी पार्टी को घेरने में। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भाजपा का राष्ट्रीय पदाधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में 5 और 6 दिसंबर को आयोजित की जा रही है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पर चर्चा होगी। इसमें बूथ स्तर से लेकर
राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से पार्टी द्वारा किए गए अच्छे कार्य, सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जाए, इन सभी बातों पर चिंतन मनन और मंथन 5 और 6 दिसंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में भाजपा करने जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं भाजपा के कार्यशैली का, जो एक बगल गुजरात में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में 4 तारीख को कल चुनाव है, 7 तारीख को दिल्ली का मतगणना होगा, 8 तारीख को गुजरात के साथ साथ हिमाचल का चुनाव परिणाम भी आने हैं, और इसी बीच में 5 और 6 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का 2 दिवसीय बैठक भी रखी जा रही है। आप समझ सकते हैं जो कि भाजपा 2024 की तैयारी किस हद तक कर रही है, ताकि 2024 में पुनः केंद्र में भाजपा लौट सके। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें, जो आम आदमी पार्टी का वह कार्यकर्ता जिसे टिकट नहीं मिलने के कारण जिसने आत्महत्या कर लिया, उस संदीप भारद्वाज का कल रस्म पगड़ी का कार्यक्रम रमेश नगर सनातन धर्म मंदिर में रखा गया है। कल मतदान भी है और कल रस्म पगड़ी का कार्यक्रम भी है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राज सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग जनों के सहयोग और उनको प्रोत्साहित करने की बात करता है। भारत में भी आज विश्व दिव्यांग दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने उपस्थित दिव्यांग जनों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व में 100 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांग है, और आज उनके सशक्तिकरण के लिए विश्व सामने आ रहा है। अब ये सुनिश्चित करना हम सबका, पूरे समाज का दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन है, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में एक दिव्यांगजन से परिचित होंगे, उससे जुड़ा हुआ होंगे। इसे ये सुनिश्चित करना हम सब का पूरे या समाज का दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। सभी दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ये अपने घर और समाज में सुरक्षित रहे, उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। मैं सभी दिव्यांगजनों के जीवन में सुख समृद्धि को और सफलता की मंगल कामना करती हूँ। बेंगलुरु में गीता जयंती महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भौतिक सफलता के बावजूद लोगों को आध्यात्मिक कल्याण की तलाश है। आधुनिकता के बावजूद हम अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब खोजने के लिए अध्यात्म का दरवाजा खटखटाते हैं। भारत के ज्ञान के भंडार को दुनिया ने स्वीकार किया और अपनाया है। मैं आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आज इस पावन अवसर पर आप सभी गीता दान का जो महायज्ञ शुरू कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी को साधुवाद देता हूं। देवियों सज्जनों, हम सब तो आम इंसान हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार गीता का एक दिवस
मान लेंगे और प्रतिवर्ष उसको उसकी जयंती मनाते हैं। पर वास्तव में तो गीता मनाने की नहीं बल्कि मानने का आग्रह है। मित्रों, जो मनुष्य जीवन मृत्यु के भंवर से ऊपर उठ जाता है वही अपने समाज अपने राष्ट्र के लिए एक लीडर होकर फियरलेसली वह कुछ कर सकता है। उसी के अंदर क्रांति रिवॉल्यूशन या जंग ले सकती है और वही समाज को एक दिशा दे सकता है, सोसाइटी पर डायरेक्शन भी दे सकता है, समाज को बदलाव की ओर यानी चेंजेस की तरफ ले जा सकता है। शनिवार को हरियाणा में 70,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसमें पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर शामिल हैं। इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने गांवों के विकास कार्य में भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि गांव में समाज सेवकों को साथ लेकर समिति बनाए ताकि वे कामों में मदद कर सके। जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से ही शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। केंद्र में श्री मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पिछले 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि जनता में उस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ही हो रहे हैं। तो इसलिए जो गांव की सरकार है इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की सब चुनाव सरकारें चुनी हुई सरकारें ये अच्छे प्रकार से काम करें इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग कल यानी 4 दिसंबर को होना है। इस मतदान की सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान से ठीक पहले आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर मजदूरों के हक का पैसा खाने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह दिल्ली का लालू मॉडल है। केजरीवाल जी ने दिया दिल्ली को लालू मॉडल। यहाँ तो एक ऐसी सरकार है जिसके साथ एक नहीं कई घोटाले देखे जाते हैं। मेरा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से ये भी है कि आप जब रात को सोते हैं तो क्या आपको चैन से नींद भी आती है कि जहाँ बच्चों को शिक्षा के क्लासरूम में भी घोटाले कर गए, मजदूरों के मदद के लिए जो हजारों करोड़ थे वो भी आप लूट कर खा गए। काम देने वाला संदिग्ध हो, काम लेने वाला संदिग्ध हो, जिनका पता संदिग्ध हो, जिनका मोबाइल नंबर संदिग्ध हो, अगर सब कुछ ही संदिग्ध था तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ। जितने भी आंकड़े सामने आए अभी तक तो 50% से ज़्यादा फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी नाम पाए गए। ये पैसा किसकी जेब में गया? और इनको जिनके नाम पे नौकरी दी है कि नौकरी देने वाला कौन है, वो स्वयं एक मजदूर है। यानी कि एक मजदूर के नाम पे 25 लोगों को नौकरी देने का काम दिखा दिया है, एक मोबाइल नंबर के नाम पर 6 एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दी है और ये पैसा हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली में जो जमा हुआ मजदूर कामगार कल्याण बोर्ड के नाम पर, ये सारा केजरीवाल जी और उनकी दोस्त मिल लूट कर खा गए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ को सच बताने की कोशिश में लगे हैं। शराब घोटाला मामले में अभी जांच जारी है। अभी चंद दिनों पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है और ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला घोटाला है ये कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट नहीं किया है। कि गाज तो मनीष सिसोदिया जी जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो
कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे। आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक रिमांड नोट है, तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्पष्ट करता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है, नंबर एक, वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर दो, वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है, और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। अभी सीबीआई ने और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफ्तार थे या जिनको रिमांड में लेना था। इसलिए ये जो केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं घर से कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने और ईडी ने हमें क्लीन चिट दिया है, ये क्लीन चिट नहीं है। ये ध्यान से देखिए केजरीवाल जी, दिस इज नॉट क्लीन चिट, दिस इज नॉट अ सिंगल चिट, दिस हैज 32 पेजेस, इसमें 32 पन्ने हैं, और 32 पन्ने पर मनीष सिसोदिया जी के उंगली के निशान है। चीन लगातार भारत की जमीन पर अपने कब्जे को बढ़ाता ही जा रहा है। ताजा खबर के अनुसार चीन ने लद्दाख में 200 शेल्टर बना लिए हैं। इन शेल्टर में चीन के सैनिक रहेंगे और इन इलाकों में भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज से 18 दिन पहले पीएम मोदी मुस्कुराते चीन के राष्ट्रपति से मिले थे और आज उसी चीन ने हमारी जमीन पर 200 शेल्टर बना लिए हैं। आप सबको याद होगा 15 नवंबर 2022 आज से ठीक 18 दिन पहले इंडोनेशिया की राजधानी बाली में मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, बड़ी आत्मीयता से प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से, चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे थे। 18 दिन के बाद अत्यंत व्यथित, अत्यंत विचलित करने वाली खबरें आ रही हैं और उनके मुताबिक उत्तरी डेपसांग में, उस इलाके में जहां पर चीन ने घुसपैठ करी हुई है और उसकी घुसपैठ बरकरार है, चीन ने वहां पर 200 स्थायी शेल्टर बना लिए। ये 200 स्थायी शेल्टर एलएसी से 15 से 18 किलोमीटर के अंदर हमारी जमीन में गाड़े गए हैं, हमारी जमीन में खड़े किए गए हैं, और ऐसा लगता है कि अपने अतिक्रमण और घुसपैठ के बाद चीन यहां पर स्थायी रूप से रहने की फिराक में है। अब यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम तो ऐसा है कि लोगों की रूह कांप जाए, क्योंकि ये बेधड़क विस्तारवाद, ये निर्लज्ज घुसपैठ चीन तभी कर सकता है जब हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने हुए हैं। स्थाई शेल्टर और स्ट्रक्चर की इन खबरों पर मोदी जी चुप क्यों हैं? इसकी अनदेखी क्यों करी जा रही है? क्या चीन की हरकतों से सरकार अनभिज्ञ है या जानबूझकर चुप बैठी है? अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। अभिषेक बनर्जी की रैली से पहले टीएमसी नेता राजकुमार मन्ना के घर में ब्लास्ट, दो की मौत, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में गैंगस्टर राजू ठेहट का दिन दहाड़े मर्डर, सीकर में घर के बाहर गोलियों से भूना, लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल हुए उमरान मलिक, मोहम्मद शमी की चोट की वजह से उन्हें दिया गया मौका। राजधानी दिल्ली में चुनाव के कारण सभी सरकारी स्कूल आज बंद, कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवाएं। गुजरात में कांग्रेस ने भरा जीत का दम, गहलोत बोले भाजपा के खिलाफ राज्य में मजबूत सत्ता विरोधी लहर। नए मिशन पर जुटी बीजेपी, दिल्ली में बनेगी रणनीति, 5-6 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को नोटिस किया जारी, 6 दिसंबर को होगी पूछताछ। कोलकाता में बंद होंगे सभी हुक्का बार, बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए लिया फैसला। गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई को मिला पद्म भूषण सम्मान, कहा भारतीय पहचान रहती है साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को बताया मजबूत पार्टनर, कहा अमेरिका G20 अध्यक्षता में भारत का सहयोग करेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
भंग।